हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो जो लास्ट वीडियो डाला था मैंने, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी वैकेंसीज, जो 15,000 पोस्ट पर आई थी, 15,000 से भी ज़्यादा जो पोस्ट हैं उन पर जो वैकेंसीज जो हैं वो देखने को आई हैं। तो आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। कुछ बच्चों की बहुत प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ की बालक और बालिका वर्ग इससे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो और सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से एंड तक आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और आपको फॉर्म भरने से पहले सारी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो वर्गों की बात की गई है, बालक और बालिका वर्ग की, जहाँ पर अलग अलग पोस्ट जो है वो दी गई है। पीजीटी बालक वर्ग की अलग है, बालिका वर्ग की अलग है, ऐसे ही पीजीटी में बालक और बालिका वर्ग की अलग दी हुई है। तो टोटल पोस्ट आप देख लीजिए, देखिए 11,451, ये टीजीटी बालक वर्ग की है, और इसी तरीके से बालिका वर्ग की 1,462 है। पीजीटी बालक में 2,281 है और बालिका वर्ग की 314 है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। अब फॉर्म भरने की जब बात आती है, तो जो टीजीटी बालक वर्ग का है, यहाँ पर बालिका जो है, लड़की जो है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकती है। वो कैसे? अगर आपने बालिका वर्ग में अप्लाई कर दिया है, मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट में, तो आप बालक वर्ग में नहीं भर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि बालक वर्ग में टीजीटी में हिंदी के पोस्ट जो है वहां पर वैकेंसी ज्यादा है, तो आप बालक वर्ग वाले में भर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको बालिका वर्ग हिंदी के पोस्ट पर आपको जगह नहीं मिलेगी, वहां के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी एक पोस्ट के लिए आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यही बात पीजीटी के लिए भी लागू होती है। ठीक है, बस यही है बालक बालिका वर्ग। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको जो वैकेंसी है वो, आप लड़के हो और आपको वैकेंसी बालिका वर्ग में इंग्लिश के पोस्ट पर ज्यादा आपको दिखाई दे रही है वैकेंसी, तो आप यहाँ भर सकते हो बालिका वर्ग में। ठीक है, लेकिन बालक वर्ग में आप वापस से इंग्लिश के उस पर फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया हो, बीएड जो है वो मस्ट है, बहुत जरूरी है बीएड किया करना। ठीक है, आपने टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीएड होना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, तो आपके लिए बीएड जरूरी नहीं है। यहाँ बीएड आपके लिए कंपलसरी नहीं है, केवल क्या चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर आपने एमए दो सब्जेक्ट से किया है, तो आप अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आपका होता है रिटन एग्जाम और होगा आपका इंटरव्यू, और टीजीटी में आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और जब सिलेबस की बात करेंगे, वहां हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ बस आपको मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो आपके केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। यहाँ कोई भी जीके, करंट अफेयर वगैरह या फिर मैथमेटिक्स ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो वहां आपको सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलते हैं, तो क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही आएंगे, मैथ्स के भी नहीं आएंगे और बायो के लिए भी नहीं है। यानी बायो के स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ स्कोप दिया हुआ ही नहीं है, और उसकी बात जो है वो आपको 5 नवंबर को पता चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीएड ही चाहिए, कोई भी टेट या सीटेट ये रिक्वायर्ड नहीं है। टेट या सीटेट जो है वो बिल्कुल नहीं मांगा है, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हमने टेट नहीं किया है या हम सीटेट पास नहीं है। केवल और केवल पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन और बीएड, और पीजीटी के लिए ओनली एमए या एमएससी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी एमसीक्यूज होंगे आपके, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको चूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओनली सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न जो है वो आपके होंगे। अब
ये है कि एग्जाम जो है वो कहाँ होगा? एग्जाम आपका यूपी में ही होगा, आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो भी यूपी में ही मिलेगी। तो जो अदर स्टेट वाले हैं वो अगर ऐसा सोच रहे हैं कि फॉर्म हम ऑनलाइन भरेंगे और हम पोस्टिंग अपने मर्जी से ले पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पोस्टिंग आपको यूपी में ही मिलेगी। नेक्स्ट, ऑल इंडियंस ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। देखिए, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो, केवल आपको बीएड ही चाहिए, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण मिल रहा है वो भी यूपी वालों को ही मिलेगा। नेक्स्ट है, परसेंटेज यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती है कि आपने ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज ली है, या फिर आपने एमए, एमकॉम या एमएससी में कितनी परसेंटेज ली है, यहाँ इसका कोई भी मतलब नहीं है। आपकी नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, सभी पे आपको टिक करना है। ठीक है, चाहे आपको अगर किन्हीं क्वेश्चन में डाउट है तब भी आप उन पर टिक करके जरूर आइएगा। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए एक अच्छी ही बात है। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे सब्जेक्ट जो है वो आपके अगर होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, आप टीजीटी की बात करते हैं हम, ठीक है, तो जैसे साइंस है, तो साइंस वाला जो बच्चा अगर साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो बीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ही वो साइंस की पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, और उसके साथ बीएड होना चाहिए। तो मैंने ये आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन भी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में से ही आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी। अब देखिए, हिंदी सब्जेक्ट जो है, ये मैं टीजीटी वालों के लिए बात कर रही हूँ, हिंदी सब्जेक्ट जो है ये आपके ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए। अगर आपकी हिंदी के साथ संस्कृत नहीं भी है तो 12th में अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो भी मान्य होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि अगर आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत है तब भी मान्य होगा, और अगर आपकी ग्रेजुएशन में मात्र हिंदी है, संस्कृत नहीं है, और आपने 12th में पढ़ी है संस्कृत, तो मान्य होगा। लेकिन आपको संस्कृत जो है वो पढ़ी होनी चाहिए, चाहे 12th में चाहे ग्रेजुएशन में। और कितनी भी आपकी जो मार्कशीट है, कई बच्चों का 2 साल का हिंदी होता है या 3 साल का होता है, ये कोई भी मैटर नहीं करता है, केवल मार्कशीट में हिंदी शो होना चाहिए। जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में शो होना चाहिए, और बीएड जो है वो कंपलसरी है टीजीटी के लिए। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत में आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए, और इसके साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ऐसे ही होम साइंस के लिए। अब देखिए, सोशल साइंस वालों के लिए थोड़ा सा अलग है, यहाँ आप समझ लीजिए। तो देखिए, ग्रेजुएशन में आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से 2 सब्जेक्ट जो है वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आपके पास चाहे हिस्ट्री या पॉलिटिकल हो सकता है, या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो सकता है, या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, कोई भी हो सकते हैं, 2 सब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट है इन चारों में से, तो आप सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मैथ्स के बारे में, कि आपने बीएससी में अगर आपके पास मैथ है और बीएड किया हुआ है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो मैथ सब्जेक्ट के लिए। आर्ट में देखिए, वही आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में भी आपके पास आर्ट होना चाहिए। इंग्लिश के लिए देखिए, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी, इन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम है। अब देखिए, इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आपने चाहे 1 साल पढ़ी हो, 2 साल पढ़ी हो या 3 साल पढ़ी हो, ठीक है, ये कोई मायने नहीं रखता। बस आपको क्या है, इंग्लिश लिटरेचर जो है वो ग्रेजुएशन में आपकी मार्कशीट में शो होनी चाहिए, इसके साथ बीएड की डिग्री। एग्रीकल्चर में वही बीएससी एग्रीकल्चर के साथ और बीएड की डिग्री। फिजिकल एजुकेशन में इसी तरीके से कॉमर्स वाले बच्चों का, और ये स्विंग और उर्दू, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक वोकल, देखिए इन सभी में सेम ही चीज है। अब हम बात करते हैं यूपी पीजीटी की। तो यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सिविक्स यानी पॉलिटी। तो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में तो आपने की ही होगी,
उसके बाद ही आपने एमए किया होगा उस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने एमए पॉलिटिक्स से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो पीजीटी के लिए, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर पीजीटी वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो उनका सब्जेक्ट है, मास्टर डिग्री जिससे की हुई है, तो उस सब्जेक्ट से वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीएड की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई सीटेट नहीं है, ना ही कोई अदर टेट है। तो ये चीज आपको देखनी होगी, अपने अपने सब्जेक्ट का आप देख लीजिएगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट से फॉर्म भरना है और कितनी कितनी पोस्ट है, इसके लिए मैं पिछला वीडियो जो है वो आपको बता चुकी हूँ। और इन जो भी वैकेंसीज हैं इनमें कम या ज़्यादा जो है वो हो सकती है, फॉर्म में बिल्कुल दिया हुआ है कि ये बाद में बढ़ाई भी जा सकती हैं। और इसके बाद जो सिलेबस है उसका मैं वीडियो लेके आऊंगी, तो आपको सिलेबस जो है वो डिटेल में समझा दूंगी और आप उसको देख लीजिएगा, आपके जो जो सब्जेक्ट हों आपके तो वो आप देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।